Hello everyone. Today I am going to discuss some previous year question papers question. This is our question number first. Now read it. What is telling about? So answer the following three items based on the five numbers. This, and this. हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं. पांच संख्याओं ये 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 और ये का आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हमें डिजिट्स पता है हमारी 386 752 961 573 and 839. क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ इन ईच नंबर द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं. यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा. क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. क्वेश्चन हमसे कह रहा है ईच नंबर सेकेंड और थर्ड को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो सब द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड जो सम होगा फर्स्ट और थर्ड नंबर का उसके लार्जेस्ट नंबर बताएं. देख लेते हैं. आफ्टर इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड जब हमने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट एंड थर्ड को द नंबर्स आर दिस. अब पहले देख लीजिए पहले नंबर कैसे थे. पहले नंबर 389 ये मैंने अभी आपको बताया था. पहले नंबर इस तरह से थे. आफ्टर चेंजिंग देयर पोजीशन नंबर ऐसे हो गए. सो द लार्जेस्ट नंबर इज 916 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. फर्स्ट नंबर क्या है 9 है थर्ड नंबर 6 है इज 15. बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. सब कुछ मेंशन ही है ऑलरेडी. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पांचों नंबर ये गिवन है. इन्हीं की पोजीशन हमने इंटरचेंज करी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. जैसे क्वेश्चन हमने सिखा कि सेकेंड एंड थर्ड की पोजीशन इंटरचेंज कर दो मीन दिस की एंड दिस. अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया सेकेंड एंड थर्ड को तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी. जब ये ऐसे पोजीशन हो जाएंगी तो उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर विल बी 196 है. उसकी फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन का सम पता करना है जो हमने यहाँ पे कर दिया. बहुत ईजी है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. हमारा ऑप्शन नंबर सी is correct 15. Move forward to the next. If in each number unit and hundred place digit are interchanged the lower number so formed is. Question kya keh raha hai agar uski unit and hundred place ko hum interchange kar dein to jo lowest number hai kya hoga dekhte hain. On changing the unit and hundred place number of each hame हमारी वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएंगी. हमने इनकी यूनिट 100 प्लेस को चेंज करेंगे. सो द लोएस्ट नंबर विल बी 169. दिस विल बी आवर लोएस्ट नंबर एंड दिस इज आवर आंसर. वेरी इजी वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है. इजीली हो जाएंगे. द नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ सम ऑफ नंबर एट यूनिट प्लेसेस गिवन फाइव नंबर इज. हिंदी में देख लेते हैं. दी हुई पांच संख्याओं के इकाई स्थानों वाली संख्याओं के योग वाली संख्याओं के इकाई स्थान की संख्या है. क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. जो यूनिट प्लेस नंबर है उसका नंबर ऑफ सम ऑफ यूनिट प्लेस को हमें ये फाइव नंबर्स में बताना है. हम देख सकते हैं द गिवन नंबर्स आर दिस. ये नंबर गिवन है. इफ द नंबर्स एट यूनिट प्लेस हम इनकी यूनिट प्लेस के अगर नंबर लेंगे तो 6 6 2 1 3 9 है. उनका सम हम करेंगे तो 6 + 2 + 1 + 3 + 9 = 21 होगा. सो द नंबर्स ऑफ यूनिट प्लेस इज 21 इज 1. यूनिट प्लेस का 21 का यूनिट प्लेस नंबर है डेट इज 1. सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1. आई होप दिस क्लियर टू यू. दिस इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. नाउ मूव फॉरवर्ड. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट हैज 1 2 3 4 मार्बल्स. इफ ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर of rows and columns the minimum number of marbles that he need more for this purpose are. So हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं. एक विद्यार्थी के पास 1 2 3 4 कंचे हैं. वह उनको समान संख्या वाली पंक्तियों और शस्त्रों में रचना सजाना चाहता है. इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कंचों की न्यूनतम संख्या जिसकी उससे आवश्यकता होगी वो बताएं.
देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स के पास कितने मार्बल्स हैं? 1, 2, 3, 4 मार्बल्स हैं। ही वांट्स टू अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, एंड द मिनिमम नंबर्स कितने हैं उसके पास? द मिनिमम नंबर्स उसे कितने चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें फाइंड आउट करना है इसका आंसर। कैलकुलेशन देखने का टोटल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में से लिए। फॉर अरेंजिंग इन इक्वल नंबर्स एंड रोज, वी शुड फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर्स। हमें उनके नियरेस्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। डेट आर दिस 3, 5, 2 इज इक्वल टू 1, 2, 2, 5, बट इट इज लेस देन, लेकिन ये कम है 1, 2, 3, 4 से। टेक दी नेक्स्ट, फिर हम दूसरे लेंगे। हमने पहले ये लिए लेकिन ये कम आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 से, फिर हमने दूसरे लिए। 3, 6, 9, 3, 6, 2 इज इक्वल टू 2, 1, 2, 9, 6। मिनिमम नंबर्स ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर्स पता करने हैं, तो 1, 2, 9, 6 में से हम माइनस कर देंगे 1, 2, 3, 4 को। दैट आर आई हैव आवर आंसर 62. 62 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो वी हैव टू करेक्ट द ऑप्शन इन द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पर्सन ए बी सी हैड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी विद देम। सी हैड एन अमाउंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ देयर टोटल, spent half of his money, B spent 2/3 of his money, and C spent all of his money. The remaining amount with them is equal to the half of the amount B initially have. The percentage of the total amount spent by all together is. हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन व्यक्ति A, B, C के पास अलग अलग धनराशि है। व्यक्ति सी की राशि तीनों व्यक्तियों की कुल राशि के औसत के बराबर है। ए अपनी आधी राशि खर्च कर देता है, बी अपनी 2/3 राशि खर्च कर देता है, और सी अपनी पूरी राशि खर्च कर देता है। उन तीनों के पास बची हुई राशि बी की उस राशि की आधी के बराबर है जो बी के पास शुरू में थी। सभी सभी तीनों के द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि का प्रतिशत है। सो हम देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ए ने कितने स्पेंड करे? 1/3 ऑफ हिज मनी, 1/2 ऑफ हिज मनी, एंड बी स्पेंड 2/3 ऑफ हिज मनी। फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे एक्चुअल ऑन टोटल इनटू 100। कैलकुलेशन देख लेते हैं। लेट इनिशियल अमाउंट एबीसी बी एबीसी रिस्पेक्टिवली। हमने स्मॉल लेटर्स में लिख लिया है एबीसी को, हमने लेट करा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम चलेंगे। सी की राशि है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है सी की राशि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये 3 अपॉन में है। देन 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? ए अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 3 प्लस सी। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ये किस तरह से आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। एज रिमेनिंग अमाउंट कितना है? ए अपॉन 2, एंड बी इज रिमेनिंग अमाउंट है बी अपॉन 3। सी इज रिमेनिंग अमाउंट इज 0 इज इक्वल टू ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3। ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a upon 2 plus b upon 3 is equals to b upon 2. ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं कर रही हूँ। a upon 2 is equals to b upon 6 and a upon b is equals to 1 upon 3. Take a is equals to 1 and b is equals to 3, then c is equals to 2. So total expenditure हमारा क्या होता है? 1 upon 2 plus 2 plus 2 plus is equals to 9 upon 2. By solving this, percentage हम निकालेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। 9 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 100 होगा हमारा 9 अपॉन 2 इंटू 6, एंड इस ओवरऑल को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कैंसिल होगा, जैसे कैंसिल हो रहा है 3 9 3 2, देन इसको कैंसिल कर दो 5 times, you know why, जब हम सबको पूरा सॉल्व कर लेंगे, so we get our percentage, that is 75% by solving this.
And the percentage of the total amount spent together is 75%. I hope this is clear to you. The correct option is 75. This is the correct option. बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विल बी. हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं. 1 से 100 तक सभी संख्याओं के गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन हमसे कह रहा है the number of zeros at the end of the numbers obtained. number of zeros hain wo end of the number obtained hue hain by multiplying the number from 1 se leke 100 tak multiply karne tak will be kya honge. ye given information hai, then hum the question mein mention hai, hum iska direct solution dekhenge. for every 5 in unit place 1 zero is added so that between 1 to 100 there are 10 nodes like 5, 15, 25. अब ये क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे कहा है कि हर एक में 5 यूनिट प्लेस को 10 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 1 से लेके 100 की गिनती में तो हमें क्या मिलेगा, 10 से ऐसे 5, 15, 25 ऐसे करते करते आएंगे 95 तक. सिमिलरली फॉर एवरी नोड डिविजिबल बाय 10, जो डिविजिबल बाय 10 नहीं होंगे 10 is added in the answer. हम एक जीरो ऐड करेंगे in the answer. So between the 1 से लेके 100, 11 zeros are added. 11 zeros add होंगे for 25, 50, 75 and 3 extra zeros are added also. So total number of zeros कितने होंगे? 10 plus 11 plus 3 is equals to 24. So total number of zeros are 24. ये तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन हमने क्या करा. हमने 5 यूनिट प्लेस 10 इज एडेड, 10 को ऐड करा, एडेड बिटवीन 1 से लेके 100 तक. सो दे आर 10 नंबर्स थे उनके पास, लाइक ऐसे उनके पास मतलब 5, 15, 25, 95 तक उनके पास ऐसे लगातार 10 नंबर थे. फिर उन्होंने हमने क्या करा, हमने ऐसे नंबर लिए जो 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो थे हमारे पास 11 और बाकी बचे हुए थे हम पे 3 एक्स्ट्रा जीरोस थे. तो उन सब पर हमने सम करा, दैट इज विल बी 24. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन नंबर सी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.